उत्तर प्रदेश स्वतंत्र प्रभार कारागार एवं होमगार्ड विभाग मंत्री धर्मवीर प्रजापति पहुंचे फिरोजाबाद। जिला जेल चौकी का किया उद्घाटन। उद्घाटन के बाद चौकी का किया निरीक्षण। चौकी के अंदर से टपक रहा था पानी, वॉश बेसन भी नहीं लगा था। उन्होंने कहा कि इसकी पूरी पत्रावली मंगा लूंगा और देख लूंगा क्या है कैसे है। वहीं आगरा से फरार हुए बदमाश विनय श्रुति और जेल में बंद माँ के साथ बच्चों पर भी बात की। तो सर बनने से पहले ये हाल है, तो सर भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं लिपता है इसमें। ये 2 साल पहले हैंडओवर हुई है और उसकी मुझे पूरी पत्तावली में मंगाऊंगा और देखूंगा कि क्या है कैसे है उसमें। उत्तर प्रदेश में सभी जेलों में माओ के साथ जो बच्चे बंद हैं छोटे छोटे, हम उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर रहे हैं। सभी जेलों में एक टीचर की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हुई है उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्रैश की व्यवस्था हम लोगों ने कर रहे हैं। जो बंदी जिन हमारी कई जेलें ऐसी हैं, उत्तर प्रदेश में 12 जेलें हैं जहाँ बंदी हमारे बहुत कुछ बनाते हैं, लेकिन वो मार्केट में कैसे जाए, आम जनता कैसे जाने, ये व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और हमने निर्देश दिया है कि सभी उत्तर प्रदेश की जेलों में जहाँ जगह है वहाँ आउटलेट बने, बाहर पब्लिक जाने के बंदी ये बनाते हैं, तो ये व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। मार्केटिंग की व्यवस्था भी कर रहे हैं। तो बच्चों पर विशेष हम ध्यान दे रहे हैं। बच्चों के कई जेलों में हमारे चिल्ड्रन पार्क भी बने हैं। यहाँ भी हमने कहा है कि जगह हमने देख लिया, जगह भी सुनिश्चित कर दी है, यहाँ भी एक चिल्ड्रन पार्क बच्चों के लिए। इसके पीछे एक मेरा एक कारण ये है कि पूरा दिन छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ के साथ बैरकों में रहते हैं, वहाँ चर्चा केवल घटनाओं की होती होगी और बच्चे माँ के साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों की मनोदशा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे माँ से पूरे दिन दूर रहें, पढ़ें लिखें, पार्क में खेलें, उनकी मनोदशा पे माओं की चर्चा जो बैरक में अंदर होती होगी वो प्रभाव न पड़े, ये प्रयास हमारा है।